चले भुवन जी का रुख कर लेते हैं। भुवन जी देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार, अब जो सरकार बनाने का प्रस्ताव है वो भी पेश कर दिया है और मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हो गई है। क्या लगता है ये सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है आखिर कितने दिन टिकेगा? देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 से 24 तक देश ने अहंकार की और तानाशाह की सरकार देखी और अहंकार की तानाशाह की सरकार इस प्रकार देखी कि देश की बेटियों की इस्मत लूटती रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए। उनके घर के 5 किलोमीटर में बेटियों को, पहलवान बेटियों को जिन्होंने विश्व में नाम करा, उनको घसीटा गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो जनादेश हमको मिला है, अब की बार माननीय मोदी जी अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो विपक्ष इतना मजबूत है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मणिपुर ना जाए, उनकी हिम्मत नहीं है कि पहलवान बेटियां घसीटी जाए और वो ना बोले कुछ भी, वो प्रतिक्रिया ना दे। इतना मजबूत 140 करोड़ लोगों ने, देशवासियों ने मजबूत बना के दिया। मैं एक बात और कंप्लीट करना चाहता हूँ, ये वही चंद्रबाबू नायडू है जो 2019 में विपक्षी एकता के लिए प्रयास कर रहे थे, जिनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, और उन्हें वो जख्मी भी याद होंगे जो माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उनको दिए गए 2.5 महीने उन्होंने अपने जीवन के जेल में निकाले, अभी ताजा ताजा उनको याद होंगे वो जख्म भी। ये माननीय नीतीश कुमार जी वही है जिन्हें गृह मंत्री जी ने कह दिया था कि इनके लिए सब दरवाजे बंद हो गए हैं और 2024 में सभी विपक्षी दलों को इकट्ठे करने के लिए वो घर से निकले थे। तो जिनकी बुनियाद भारतीय जनता पार्टी को गिराने की हो, भारतीय जनता पार्टी को रोकने की हो, वो कब तक समय देंगे, कब तक साथ देंगे, ये तो अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन हम देश के 140 करोड़ के लोगों ने हमें एक मजबूत विपक्ष दिया है और समाजवादी पार्टी पे देश के लोगों का इतना बड़ा भरोसा गया है, तो हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं ये सरकार ना तो चंडीगढ़ की घटना को रिपीट कर पाएगी। आदरणीय मोदी जी अगर पूरे देश में चंडीगढ़ बनाना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन इनको